हेलो फ्रेंड एंड दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अपडेट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि राउंड 3 ऑल इंडिया के काउंसलिंग ऑन गोइंग है। आप कल से ये नोटिस कर रहे होंगे कि बार बार एमसीसी पहले 24th, 25th, 26th एंड अल्टीमेटली अभी रिसेंट अगर जस्ट आप देखें 2 मिनट पहले तो 27th तक चॉइस लॉकिंग का डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए इसके पीछे रीजंस क्या है एंड द वैलिड रीजंस अबाउट दिस इज व्हाट आई एम हेयर टू डिस्कस अबाउट दैट। यस, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में एक केस राइट पिटीशन फाइल्स हुआ है एंड जिसके वजह से एंड बहुत सारे ऐसे न्यू एलिजिबल स्टूडेंट हैं जो कि चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कैसे भाई रजिस्ट्रेशन किए, उन्हें समझ नहीं है पेमेंट्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सारे दिक्कतें आ रही हैं। ये तो ये स्टूडेंट की तरफ से, एमसीसी के भी तरफ से जो पोर्टल्स बनाया गया है वो काफ़ी आप देख रहे हैं क्योंकि स्टडी काफ़ी सारे मैसेज क्वेरी आने शुरू होंगे कि सेविंग के ड्यूरेशंस में हैंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, सिस्टम्स सेव नहीं हो पा रहा था, बार बार लॉग आउट हो जा रहा था, ये समस्या हो रही थी। जैसे आप अप्स एंड डाउन कर रहे थे, रीअरेंज कर रहे थे, चॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी। बट यहाँ पे जो अभी मैं डिस्कशन करने वो सब मुद्दे को छोड़कर मैं जो मेन मुद्दा है मैं उसको डिस्कस करने के लिए हूँ, दैट इज सुप्रीम कोर्ट में राइट पिटीशन फाइल हुआ है। और ये राइट पिटीशन जो फाइल हुआ है उसके पीछे के लॉजिक्स क्या हैं, पिटीशंस नंबर्स क्या हैं, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो राइट पिटीशन जो फाइल किया गया है ये कल के डेट में दैट इज 27th को सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है फॉर द हियरिंग। और ये जो पिटीशन जो फाइल किया गया है, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया से हैं जो कि इस पिटीशंस को फाइल किए गए हैं। और ये 1050 पिटीशंस नंबर आप बोल सकते हैं कि है, जो कि मेडिकल काउंसिल कमिटी को रखा गया है रिस्पोंडेंट के रूप में, DGHS को रखा गया है रिस्पोंडेंट के रूप में, और भी बहुत सारे लोग रिस्पोंडेंट के रूप में हैं। यूनियन ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल कमिटी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, सारे को रिस्पोंडेंट के रूप में रखा गया है। और ये केस लिस्टेड है टुमारो, ये सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग होगा। इस केस के पीछे और भी एक दो केसेस चल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और सबका कॉमन मोटो क्या है, कॉमन पर्पस क्या है केस करने के पीछे, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड्स में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। बट ओवरऑल अगर हम डिस्कस करें कि कहाँ कहाँ से लोग इन्वॉल्व हैं इस केस में, तो राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और भी हैं जो स्टेट्स के इन्वॉल्व हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, केरला, बिहार, तो आप ऐसे ऐसे महाराष्ट्र, तो आप ऐसा देख सकते हैं कि नॉट फ्रॉम अ सिंगल स्टेट्स, मल्टीपल स्टेट्स के स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं। एंड उनके पीछे लॉजिक्स भी है, रीजंस भी है कि क्यों है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या होगा इससे, क्या काउंसलिंग प्रोसेस डिले होगा? बहुत ज़्यादा डिले का आप उम्मीद नहीं कीजिए कि बहुत ज़्यादा डिले होना चाहिए, बट कुछ मॉडिफिकेशंस जरूर होने के उम्मीद है। अगर ये केस वैलिड जिस ग्राउंड पे रखा गया है, और बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में केस ऑन गोइंग हैं, आज भी रजिस्टर्ड हुए हैं, बहुत प्लेसेस पे केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अगर वो वैलिड रीजंस होता है, अगर लूपहोल निकलता है, तो एमसीसी को अपने सिस्टम में मॉडिफिकेशंस करना ही होगा ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग प्रोसेस किया जा सके। दैट इज द मेन मोटो। जैसा कि आपको पता है, सबको पता है, और लास्ट ईयर 2022 के आप काउंसलिंग प्रोसेस को देखें, उसमें आपको पता है कि एक कोर्ट केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और वो जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर का मेन जो लाइन था वो था कि सारे स्टेट को राउंड 2 की काउंसलिंग कंप्लीट कर लेनी होगी बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ राउंड 3, यानी कि जो मॉप अप राउंड है ऑल इंडिया का। बट इस साल आपको पता है कि मॉप अप राउंड ना बोल के उसको राउंड 3 कंसीडर किया गया, एंड द फोर्थ राउंड एज यूजुअल जो स्ट्रे राउंड था एज स्ट्रे राउंड था। बट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के
बावजूद भी बोल सकते हैं कि उसके ऑर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हुए बहुत सारे स्टेट्स ने इस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया एंड राउंड थ्री का काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया इवन विदाउट द कंप्लीशन ऑफ राउंड टू। एक एमसीसी ने भी बहुत बड़ा मिस्टेक्स किया मिडिल्स में, जैसा कि बिना बताए बिना कुछ अपने जो प्रोस्पेक्टस का सडनली मॉडिफाइड वर्सन से रिलीज कर दिया गया। और ये मॉडिफाइड वर्सन आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर को रिलीज किया गया एमसीसी के साइट से अपडेटेड, और इसमें काफ़ी जो नियम थे वो चेंज कर दिए गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया, रेजिग्नेशन के क्राइटेरिया चेंज कर दिया, और हर दिन कुछ नए अपडेट्स आने शुरू हो गए। और इस अपडेट की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को दिक्कत आने लगी, स्टूडेंट कन्फ्यूजन्स में हो गए कि उन्हें ऑल इंडिया के थ्रू अपने सीट को कंटिन्यू करना है या उनको बेटर सीट अपने स्टेट के राउंड वन के थ्रू मिल सकता है या राउंड टू के थ्रू मिल सकता है, या राउंड टू छोड़ के उनको राउंड थ्री ऑल इंडिया में आना है। ये स्टूडेंट के बीच में काफ़ी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगा, जिस वजह से एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक सोशल मीडिया पे डाटा चल रहा है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी 100% करेक्ट है आई आई कांट क्लेम ऑन दैट डाटा, बट अप्रोक्स 4,900 अप्रोक्स 5,000 ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स पाए गए हैं जो कि उन सीट्स ऑल इंडिया के लिए बोले, स्टेट्स के लिए बोले, या इधर उधर से आप देखेंगे कि सेम ही स्टूडेंट्स के बार बार, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि जो एक मैसिव पॉजिटिव शिफ्ट होता था वो पॉजिटिव शिफ्ट नहीं हुआ है। राउंड वन में जो रिजल्ट आया ऑलमोस्ट आप देखेंगे राउंड टू में ऑल इंडिया का सेम ही रिजल्ट है, और स्टूडेंट अगर स्टेट में देखें वहां भी एक पॉजिटिव शिफ्ट की जो उम्मीद थी वो उम्मीद नहीं हो पाया। तो इस केस में जो कोर्ट केस हुआ है वो कोर्ट केस का मेन मोटो जो है उसमें ये बोला गया है कि सारे स्टेट को जो सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जो ऑर्डर पास किया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दैट मीन्स बिफोर प्रोसेसिंग ऑफ राउंड थ्री ऑल इंडिया रिजल्ट्स सारे स्टेट्स अपने एडमिशंस प्रोसेस कंप्लीट कर लेने होंगे, और जो भी स्टूडेंट सीट्स ऑप्ट कर लिए हैं होल्ड कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेट के थ्रू वो डाटा की शेयरिंग एमसीसी से करें ताकि एमसीसी ट्रांसपेरेंट रिजल्ट राउंड थ्री के निकालें। और सेकेंड अपील भी किया गया है कि अगर सपोज राउंड वन में भी एमसीसी के आप प्रोस्पेक्टस में देखेंगे राउंड टू में भी देखेंगे जो प्रोस्पेक्टस में रिलीज किया गया उसमें लिखा था कि स्टेट एंड एमसीसी आपस में अपने डाटा के शेयरिंग राउंड वन में भी करेंगे राउंड टू में करेंगे, बट फिल्ट्रेशन ऑफ डाटा राउंड थ्री की बात की गई थी। स्ट्रे राउंड में भी देखिए एक कन्फ्यूजन्स वर्ड क्रिएट कर दिया गया जो काफी स्टूडेंट के लिए स्टिल कन्फ्यूजन्स का पार्ट है, दैट इज अबाउट होल्डिंग ऑफ सीट और अलॉटमेंट ऑफ सीट। स्ट्रे के लिए कौन एलिजिबल है, जो स्टूडेंट होल्ड कर रहे हैं सीट या किसी भी राउंड में स्टेट या ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं सीट अलॉट हो गया और शायद वो रिपोर्ट किए हैं ना किए, क्या वो एलिजिबल है, ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन्स अभी तक बना हुआ है। बट जो मेरे समझ की बात है अभी तक होल्डिंग की बात हो रही है, अलॉटमेंट की बात नहीं हो रही। तो यहां पे जो डिमांड किया गया कि राउंड थ्री में वैसे स्टूडेंट का ही रिजल्ट्स दिया जाए जो कि आइदर ऑल इंडिया राउंड टू में हैं और अपग्रेडेशन के लिए दिए हैं, या वो स्टूडेंट जो कहीं कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे उनके लिए भी ये फैसिलिटी मिले, और स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में भी अपग्रेडेशन की फैसिलिटी हो अगर राउंड थ्री के बाद अगर फिल्ट्रेशन प्रोसेस लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिमांड किया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस डिमांड्स में कितना फुलफिल हो पाता है, जजेज इस पे क्या अपना डिसीजंस ले पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से इसकी डिमांड चल रही है, अगर ऐसा सच में होता है तो एक मेजर इम्पैक्ट होगा, और जो देखेंगे जो पॉजिटिव शिफ्टिंग की बात करें ए ह्यूज पॉजिटिव शिफ्ट मिलेगा जिससे सबके लिए एक पॉजिटिव सिंबल जाएगा कि यस एमसीसी एक कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी की तरह वर्क कर रहा है जो कि काउंसलिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर सकता है।
बिकॉज देयर इज ए नो क्लियर कट गाइडलाइन अबाउट द पेनल्टी, अबाउट द सीट होल्डिंग, और कब तक एक लास्ट डेट है रिजिग्नेशन का। और इसी के वजह से जो पीछे वाले भी स्टूडेंट हैं, जो बहुत पीछे हैं स्टूडेंट, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल क्या होगा। जो भी हमारे व्यूवर्स लिसनर्स इस चैनल और इस वीडियो को देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल इस पर जुड़िए, जहाँ पे मैं सारे अपडेट्स दूंगा जो लेटेस्ट होगा रिगार्डिंग द काउंसलिंग और एनी अदर रिलेटेड टू द मेडिकल फील्ड्स। जो मेन मैटर है, इस मैटर का डिस्कशन कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाला है, और इसमें देखने वाली बात है कि क्या ये सबके लिए बेटरमेंट के तरफ बढ़ रहा है, या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऑर्डर्स ले ही नहीं रहा, चूँकि काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी डिले हो चुकी है। देखने वाली बात है कि इसमें क्या हो रहा है, बट इट्स विल बी बेटर इफ़ एमसीसी इज गोइंग टू गिव अ फैसिलिटी ऑफ अपग्रेडेशन इफ़ देयर इज नो फिल्ट्रेशन फॉर दोज स्टूडेंट हु आर ऑलरेडी होल्डिंग ए सीट्स इन स्टेट काउंसलिंग। अगर फिल्ट्रेशन राउंड थ्री में होता है तो डेफिनेटली उसके बाद की राउंड है उसमें अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे एक फेयर आप कह सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस होगा। और डेफिनेटली जब एक बार फिल्ट्रेशन लग जाएगा तो एक स्टूडेंट एक ही सीट को होल्ड कर सकता है, उस केस में आप कह सकते हैं कि देयर इज नो लॉस ऑफ सीट्स, और ऑटोमेटिकली सीट जो वैकेंट होगा तो जो पीछे वाले रैंक है उनको भी सीट्स मिलेंगी। और गवर्नमेंट का भी जो पॉलिसी है 0% कट ऑफ करने का रिगार्डिंग कि एक भी सीट्स खाली ना रह जाए, तो ऐसा अनुमान लग रहा है, देखने को मिल रहा है कि सीट्स खाली नहीं जाएगी। बहुत सारे कॉलेजेस देख रहे हैं कि प्री पैराक्लिनिकल के फीस भी काफ़ी कम कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जा रही है, तो इससे भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल सीट्स के वैकेंट रहने की संभावना बहुत कम है। तो देखते हैं कि कल क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस लिस्टेड है और अदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जो हाई कोर्ट्स में, या डिफरेंट पीपल आर स्टिल प्लानिंग टू फाइल अ केस, तो देखते हैं इन रिजल्ट क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर वर्स्ट इफ एमसीसी इज नॉट फॉलोइंग द ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस योर बेल आइकॉन जस्ट टू गेट द नोटिफिकेशन। अगर वीडियो को देख रहे हैं तो 1.5x पे देखिए, ताकि कम टाइम में आप सारे मैटर को देख पाएं। थैंक यू सो मच।